असम सरकार ने मणिपुर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान के लिए अपने मंत्री को नियुक्त किया। 1 जुलाई भाषा असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि मणिपुर के नौनी जिले में रेल निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन की चपेट में आने से असम के एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 16 अभी भी लापता है। उन्होंने बताया कि असम के 5 अन्य लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है और उनका मणिपुर में इलाज चल रहा है। शर्मा पड़ोसी राज्य में भूस्खलन की वजह से फंसे लोगों को निकालने के लिए चल रहे बचाव कार्य की देखरेख के लिए अपने कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका को भेज रही है। गौरतलब है कि मणिपुर के टुपुल यार्ड रेल निर्माण स्थल पर बना शिविर बुधवार रात को भूस्खलन की वजह से मलबे में दब गया था। अब तक मलबे से 10 शवों को निकाल लिया गया है, जबकि 55 लोग अभी भी लापता है। शर्मा ने ट्वीट किया कि यह जानकर दुखी हूं कि असम के मोरी गांव निवासी एक व्यक्ति ने मणिपुर भूस्खलन में अपनी जान गंवा दी है, जबकि 5 का इलाज चल रहा है। राज्य के 16 लोग अब भी लापता है। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल में सहयोगी श्री पीयूष हजारिका यथाशीघ्र मणिपुर बचाव कार्य में समन्वय करने के लिए पहुंचेंगे। शर्मा द्वारा ट्वीट पर साझा किए गए 22 नामों के मुताबिक मोरी गांव के लाभभुरुंगा गांव निवासी गोपाल फुकान की हादसे में मौत होने की पुष्टि की गई है। हजारिका इस समय नई दिल्ली में है। उन्होंने फोन कॉल पर बताया कि वह शनिवार सुबह मणिपुर पहुंचेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।